हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले एक इलेक्ट्रिक साइकिल किट का। तो यहाँ पे जो हम लोग को नट्स ऑटोमेशन ने ये जो किट भेजा है, तो फटाफट बॉक्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता। तो यहाँ पे अगर आप चारों साइड से बॉक्स देखेंगे तो काफी अच्छी पैकेजिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत डिटेल भी यहाँ पे प्रोडक्ट की मेंशन कर दी गई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 36 वोल्ट 250 वोल्ट का उन्होंने BLDC हब मोटर हमें भेजा है, डेट डिस्पैच का दिया है, कस्टमर का नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में ये जो कंपनी का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, नक्स ऑटोमेशन करके उनकी कंपनी है, अहमदाबाद की ये कंपनी है। और यहाँ पे इनकी साइट भी मिल जाती है www.motorkit.in करके। तो यहाँ से जाके आप जो है काफी सारे मटेरियल परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेस्टेड बाय चेतन पटेल करके टेस्टेड होके और स्टैम्प मार के उन्होंने दिया। कुछ इस तरीके से आपको जो है बाहर डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। फटाफट बॉक्स के अंदर देखते क्या हमको मिल जाता है। यहाँ पर जो हम लोग को किट में एक BLDC मोटर देखने के लिए मिल जाता है, BLDC कंट्रोलर मिल जाता है, डिस्प्ले वाला थ्रोटल मिल जाता है, ब्रेक लीवर मिल जाते हैं, कंट्रोलर बॉक्स मिल जाता है, पैडल असिस्ट मिल जाता है, फायर हार्नेस, पिन क्लिप्स बॉक्स, मल्टीपर्पज पेन और एक की चेन। यहाँ पर हमको सबसे पहले एक BLDC कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाता है, जो 36, 48, 250 वोल्ट का ये कंट्रोलर है। इसमें काफी सारी डिटेल भी यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोलर में सबसे पहले हमको 3 फेज वायर देखने के लिए मिल जाते हैं जो हमारा मोटर के साथ में कनेक्ट होगा, होल सेंसर वायर मिल जाते हैं जो हमारा मोटर के साथ में कनेक्ट होगा, उसके बाद में 2 ब्रेक है, दोनों ब्रेक के साथ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वायर हमको मिल जाता है। उसके बाद में पैडल असिस्ट का भी ऑप्शन है, तो पैडल असिस्ट के लिए यहाँ पे हमको मिल जाता है। थ्रोटल मीन्स एक्सीलेटर के लिए भी यहाँ पे हमको एक केबल मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे एक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको लाइट और ये जो कुछ भी छोटे मोटे एसेसरीज चलाना है तो उसके लिए पावर के लिए यहाँ पे ऑलरेडी अलग से केबल दिया गया है। बैटरी के साथ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमको एक केबल मिल जाता है। और ये लास्ट में उन्होंने वायर तो दिया है लेकिन यहाँ पे लिख के रखा है उन्होंने नो कनेक्शन, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है। इतने वायर जो थे हमारे यूज में है। यहाँ पर जो हम लोग को 36 वोल्ट 250 वोल्ट का एक BLDC हब मोटर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो पूरा है मैट फिनिश में यहाँ पे आता है। आउटर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बाहर से देखने में काफी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप आपका डिस्क ब्रेक माउंट कर सकते हैं। और अगर उसके उल्टे साइड में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है फ्री व्हील लगेगा, ठीक है। हमारे मोटर के वायर को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे एक वायर हार्नेस मिल जाता है। दूसरे यहाँ पे आप जो रिम यूज करें वो रिम के साथ में स्पोक्स भी आपको साथ में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो स्पोक भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एक थ्रोटल देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर प्लस ऑन ऑफ का एक की स्विच मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो है ऑन और ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से जो है बैटरी लेवल इंडिकेटर देख सकते हैं। और उसके साथ में एक हमको डमी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे केबल में आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, जो एक थ्रोटल के लिए और एक जो हमारा की स्विच के लिए कनेक्ट होगा। और हमको एक जो कंट्रोलर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है और इस कंट्रोलर बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो आपको स्क्रूस और क्लैंप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे जो आप आपके कंट्रोलर को रख के माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको जो है 2 ब्रेक लीवर मिल जाते हैं और ये ब्रेक लीवर के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 वायर और एक्स्ट्रा निकले रहते हैं। तो ये वायर जो है रहता है हमारा पावर कट ऑफ करने के लिए होता है, मीन्स जब भी आप ब्रेक अप्लाई करो तो ब्रेक अप्लाई करने के साथ ब्रेक तो लगे साथ में मोटर से जो पावर जा रहा है मोटर में वो भी कट ऑफ कर देगा, तो उसके लिए हमको जो ये 2 ब्रेक लीवर देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है PCB। PCB आपका जितना बेस्ट रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट बेस्ट बनेगा। तो आज जो मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड PCB डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है LTM डिजाइनर। आप जो इससे काफी आसानी से PCB डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो है काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। और तो और इनके पिछले 35 साल के इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड PCB डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो आप PCB की छोटी छोटी डिटेल को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई इंटरेस्टेड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो ओक्टा पार्ट्स पे मिल जाएंगे। तो वहां से जाके जो आप डायरेक्टली इनसे परचेज कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को। जो कोई इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फटाफट जाके आप चेक। किट में यहाँ पे हमको पैडल असिस्ट भी मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है। तो इसको किस तरीके से यूज करना है तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर किट में जो है 2 चीजें हमको और देखने को मिले जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीपर्पज पेन है। यहाँ पे अगर आप पीछे का वाला जो हिस्सा दिख रहा है इससे आप आपका टच स्क्रीन चला सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग मिल जाती है जिसके अंदर उन्होंने RGB लगा के रखी है। और तीसरा, जो आप यहाँ से राइटिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं, तो काफी अच्छा पेन मुझे लगा। उसी के साथ में ये की चेन भी दिया गया है जिसके अंदर भी आपको RGB मिल जाता है। यहाँ पे नीचे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपको तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्सल जो हमको नक्स ऑटोमेशन में भेजा है, इस तरीके से देख सकते हैं। फटाफट इसको भी अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है।
यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये हमारी एक लिथियम आयन बैटरी है जो हमको केसिंग के साथ में ही मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे तो ये पीछे जो हमारा पावर केबल है यहाँ से हम जो है 36 वोल्ट का आउटपुट लेंगे ये केबल से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक की भी दिख रहा होगा, ये की जो है लॉक और अनलॉक के लिए, ऑन ऑफ के लिए नहीं है, लॉक और अनलॉक के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस होगा नीचे एक प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट को लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ये हमको ये की मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार प्लेट अनलॉक करके बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अनलॉक करने के बाद में आप इसको बाहर की साइड में थोड़ा प्रेस करना है फिर ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर है, तो यहाँ से प्रेस करके आपको जो है बैटरी में चार्जिंग भी दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस साइड घुमाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अगर आपको एक ऑन ऑफ के लिए एक स्विच मिल जाता है और चार्जिंग करने के लिए एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मीन्स आपकी बैटरी जो है आप यहाँ पे लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़े बहुत डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। तो ये जो इसका नॉमिनल वोल्ट है वो 36 वोल्ट है, फुल चार्ज होने पर ये जो है 42 वोल्ट तक जाता है। बैटरी की जो कैपेसिटी है मतलब 7.5 एम्पीयर की ये बैटरी है और मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है इसमें 3 एम्पीयर तक हम इसमें दे सकते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो जुलाई 2022 इसका डेट है। तो ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ केसिंग जो है काफी अच्छा देखने के मिल रहा है और लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको बैटरी आपके हिसाब से चाहिए, मान लो इसमें जो है 7.5 MCA लेकिन आपको 5 MCA चाहिए, 10 की चाहिए, 15 की चाहिए, तो आप अपने हिसाब से जो है इनसे परचेज कर सकते हैं। इनके पास कस्टमाइज का ऑप्शन है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको जो प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको चार्जर भी चाहिए तो चार्जर का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहाँ से जाके आप बैटरी का चार्जर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा मोटर का फेस वायर है आपको कलर टू कलर पिन टू पिन कनेक्ट कर देना। यहाँ पे मैंने 5 पिन वाला सॉकेट 5 पिन के साथ में कनेक्ट कर दिया, 3 जो हमारे फेस वायर थे कंट्रोलर फेस वायर के साथ में कनेक्ट कर देना, ये मोटर का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो 2 वायर देख रहे हैं ये दोनों जो हमारा ब्रेक लीवर से आया, ये जो आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं इसके साथ में 2 आए हैं, दोनों ब्रेक लीवर को हमने पिन टू पिन कनेक्ट कर दिया, दोनों का पिन जो है ब्लैक कलर का है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये हमारा थ्रॉटल देखेंगे एक्सेलेटर, ये जो आप एक्सेलेटर देख रहे हैं इस एक्सेलेटर के साथ में 2 वायर आए हैं, एक 2 पिन सॉकेट एक 3 पिन सॉकेट। तो यहाँ पे जो 3 पिन सॉकेट है 3 पिन सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर देना और 2 पिन सॉकेट 2 पिन सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया, ये होने बाद में सबसे लास्ट में आपको जो है बैटरी कनेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने पैडल असिस्ट का किया है लेकिन हालांकि पैडल असिस्ट का अभी इसमें कोई यूज नहीं है। लास्ट में सब कनेक्शन हो जाने के बाद में आपको सब कनेक्शन एक बार चेक करके तब लास्ट में आपको बैटरी कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले पे यहाँ पे पावर आना चालू हो गया, तो यहाँ से आप जो इसको ऑन और ये ऑफ कर सकते हैं। तो ये अभी हमने ऑन कर दिया और यहाँ पे हमने हमारी मोटर फिट किया इस तरीके से देख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको एक्सीलेटर देख दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे आपको रोटेशन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो काफी सिंपल कनेक्शन थे, पिन टू पिन बस आपको लगा के मैच कर देना है, आपका कनेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है, उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो यहाँ पे जितनी डिटेल मुझे मिली थी मैंने आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दिया, और भी अगर कुछ टेक्निकल डिटेल अगर आपको जानना है तो मैं उनका कॉन्टेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहां से जाके आप जो है सारी डिटेल ले सकते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट भी है www.motorkit.in, वहां पे भी जाके आप और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, बाकी ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस का कैसा रहता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है टाइम टू टाइम पीरियड, इसलिए मैं प्राइस जो है आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एग्जैक्ट प्राइस जिस टाइम की जो है अभी की जो है स्पेशल प्राइस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो वहां से जाके आप जो है प्राइस देख सकते हैं और परचेज करना तो वहां से परचेज कर सकते हैं, वहां पे उनका आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भी मैं दे दूंगा। बाकी और भी ऐसे नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं जहां पे आपको काफी अच्छे अच्छे नए प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। A feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless.